हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन एकदम ऊपर जो है टेन एंड वन, इसमें मतलब इकाई और दहाई दो स्थान का रहेगा, मतलब टू डिजिट नंबर में वन डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको एटीन वन मतलब वन का स्पेस होगा यहाँ पर कॉलम, उसमें से जो है कैरी आपको लगाता होगा, मतलब आपको ट्रांसफर होगा। इस तरीके का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकेंगे। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। जैसे यहाँ हमने दिया 443 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये है जो आपका टेंशन है, ठीक। और यहाँ पर है ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ये टेन का प्लेस है और न्यू वन, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 का मल्टीप्लाई हम तीन करेंगे तो 4 की का आपका आता है 12, ये 12 है, ठीक है। तो 12 के लिए हम देखिए यहाँ पर 2 डिजिट आ गया, तो ये जो 2 ये आपका 1 का प्लेस है, ये आपका 1 कॉलम में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जो 10 के प्लेस पर 1 है, ये बच्चों एक कैरी के रूप में यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, उसको आप कैरी के रूप में यहाँ पर लगा दें, ठीक है। अब उसके बाद हम एक के प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा आता है आपका 16, ठीक है। और 16 में ये 1 जो है यहाँ पर कैरी लगा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा आपका 20। बच्चों ये जो 17 आया, अब यहाँ पर कैरी हमारी जो चीज है ये पूरा का पूरा यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट आया 1 20 वो ये आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है आपका, मान लीजिए 77 100 का प्लेस और 10 का प्लेस और 100 का 77 ये दिया हुआ है, इसमें हमें मान लीजिए मल्टीप्लाई की क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 पर जो एक है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 37 का आपका आ जाएगा 21। तो आपको बताया गया था कि 1 के प्लेस पर जो होता है उसको इसको हम जो है यहाँ रख सकते हैं 1 कॉलम में, और 10 के प्लेस पर जो यहाँ होता है ये आपका कैरी के रूप में यहाँ पर आप उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है 10 के प्लेस पर जो डिजिट है 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आपका 20 बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है, देखिए इसी में चेंज हो रहा है, ठीक है, 10 के प्लेस में ही आपका चेंज हो रहा है, ठीक है।